भाई 18 किलोमीटर जाना हमें, एमजी वाले को फोन करके ना बोलना पड़ेगा भाई अपनी गाड़ी ले जाओ। भाई मुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या होने वाला है। बैटरी इसमें बची है 2%। शिट 12 PM हो गए हैं और भाई सामने देखो क्या चीज है। ये देखो, ये है एमजी कॉमेट भाई, 3-4 दिन से मेरे पास है। बहुत ही क्यूट गाड़ी है और इसको देख देख के ना लोग मतलब बहुत सवाल पूछते हैं, जहाँ भी खड़ी कर दो भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तो एक तो मैं आज की वीडियो में वही दिखाने वाला हूँ कि लोग इसको किस एंगल से देख रहे हैं, और दूसरी चीज भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉमेंट किया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो वो चीज करके दिखाओ कि बैटरी खत्म होने वाली है और आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तब ये कैसे मैनेज करती है। तो एक वो टेस्ट भी हम करने वाले हैं, दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे। इसके लिए हम जाने वाले हैं नोएडा के सेक्टर 18 में। जैसे इस गाड़ी का आप करीब आएंगे, देखो चाबी जेब में होनी चाहिए और ये अनलॉक हो जाती है। 4-सीटर गाड़ी है भाई, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कोई बटन नहीं दबाया और गाड़ी का इग्निशन ऑन हो चुका है। ओके, तो भाई अब हम थोड़ा सा रोशनी में आ गए हैं। अब आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी स्क्रीन साफ कर लेता हूँ। हाँ भाई, तो पहले बैटरी चेक कर लेते हैं। भाई बैटरी इसमें बची है 25% और रेंज दिखा रहा है 50 किलोमीटर की। आना जाना हमारा हो गया 36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर मान लो, 50 किलोमीटर की रेंज है जितना मैं समझ पाया हूँ, थोड़ी बहुत कम चलेगी। चलते हैं अपने सफर पे, देखते हैं क्या होता है, कैसे हमें ये सेफली घर पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। भाई अभी आके खड़ा ही हुआ था और एक सर मिल गए, टाटा नैनो यूजर है। इसकी लाइफ क्या है आप देखो गाड़ी एक बार। यस, आप स्पेस देखो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका बड़ा एक्टिव है, एकदम से हल्का सा भी टच करने को भागती है। ये देखो बैक का दिख रहा है। हाँ, बैक का दिख रहा है। ओहो, मैंने इसको यूज ही नहीं किया कि ये बैक का दिख रहा है। हाँ। अभी मैं एक भी किलोमीटर नहीं चला हूँ, इसलिए ऑडोमीटर आपको दिखा देता हूँ। 4268 किलोमीटर इसका ऑडोमीटर है। मैप भी लगा लेता हूँ ताकि ये पता रहे मैं घर से कितनी दूर हूँ और रेंज कितनी बची है, ताकि मैं इजिली घर आ पाऊँ। बाकी काम बाद में, पहले आपको कुछ फुटेज दिखा देता हूँ कि लोग कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। KMPH की टॉप स्पीड है भाई इसकी, समझ रहे हो। मुझे नहीं लगता सिटी में कोई 100 पे चलता होगा, यही चलते हैं 40, 50, 60। बाकी यार आप ना, जैसे आज मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर के कमेंट पे ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी बताया करो कमेंट करके यार कि कैसा वीडियो आपको चाहिए। ये GIP आ गया भाई, देख लो भी अपनी कमेंट में थोड़ी सी ना हवा भरवा लेते हैं, पेट्रोल पंप पे आए हैं तो। तो भाई देख लो, अभी मैं जिस जगह पे हूँ ना उसका नाम है फिल्म सिटी, सेक्टर 18 के पास में ही है। सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह यहीं पे हैं। तो अपना काम निपट गया है भाई, खाना वाना हमने खा लिया है। अब भैया देखते हैं घर चलना है, कितनी बैटरी बची है, कितने किलोमीटर ये चल सकती है। चलो देख लेता हूँ भाई क्या सीन है, कैसे है। तो भाई क्या स्टेटस है अपना जी भाई, कहाँ जाना है। अबे भाई इसमें तो बस 10% बैटरी बची है और रेंज दिखा रहा 20 किलोमीटर, और हमें कितनी दूर जाना है भाई। एप्पल कारप्ले जल्दी चल जा। अरे हट जा यार भाई, 18 किलोमीटर जाना है हमें और 10% बैटरी बची है, 20 किलोमीटर रेंज है भाई। ये एग्जैक्ट होती नहीं है, 2-4 किलोमीटर इसमें कमी होते हैं यार। भाई कैसे जाऊंगा घर, रेंज टेस्ट करने निकले थे, ये हमारे साथ ही टेस्ट होने लगा यार। अब बताओ भाई मुझे 10% बैटरी में घर पहुंचना है, कैसे कैसे करूंगा। इसके साथ पता है क्या दिक्कत है यार, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। जैसे रास्ते में कोई चार्जर वगैरह मिल जाए तो उसमें हम चार्ज नहीं कर सकते, ये तो सीधा घर जाके ही चार्ज होगी। अब भाई मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मुझे एमजी वाले को फोन करके ना बोलना पड़ेगा भाई अपनी गाड़ी ले जाओ। चलो भाई देख लेते हैं भाई एमजी कॉमेट हमें पहुंचा पाएगी 10% बैटरी में, या भाई हमें आज जो है हेल्प मांगनी पड़ जाएगी। भाई टेस्टिंग आज मेरी तगड़ी होने वाली है एमजी कॉमेट के साथ। बीच में ट्रैफिक भी मिलेगा, एसी मैंने चलाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और एक और दिक्कत है भाई, मेरी सोसाइटी पे ना ढलान है चढ़ने के लिए, तो वहां पे भी पावर की जरूरत है। 10 पे तो ठीक है, अभी देखना जैसे ही 9 होगी ना भाई तो रेंज दिखानी खत्म कर देता है यार ये, कि कितने किलोमीटर चलेगी वो नहीं दिखाता है।
लो एक और ये प्रॉब्लम है भाई, मुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या होने वाला है। पहली बार ऐसा रिस्क लिया मैंने किसी के चक्कर में आके, स्पीड भी स्टेबल रखने की कोशिश करूंगा। लो भाई सामने आ गया ब्रिज, अब उस पे चढ़ाई होगी, आधी जान तो इसकी वहां खिंच जाएगी। लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे, एक कौन सी गाड़ी लेके आ गया सुस्तराम, पर भाई मेरी मजबूरी है स्लो चलाना, इनको कैसे बताऊं। बैटरी बची है बस 9%। लो भाई 8% रह गई बैटरी। भाई आप में से और किसी ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ ये वाला सीन देखा हो, झेला हो, तो बताना जरूर कि आपके साथ क्या हुआ था। तो भाई कंगाली में आटा गीला इसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जाम भी मिलना शुरू हो गया। तो भाई फिलहाल 6% बैटरी है और मैंने स्पीड मेंटेन की हुई है 20-25-30, ये मेंटेन की हुई है ताकि गाड़ी पे ज्यादा लोड ना पड़े और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। ये देख लो भाई बैटरी अब बची है सिर्फ 5%, 8.9, मतलब 9 किलोमीटर ही मान लो भाई, 9 किलोमीटर चलना है हमें और बीच में एक ब्रिज भी पड़ने वाला है जिसकी वजह से इस पे बैटरी पे लोड पड़ेगा क्योंकि ढलान होगा यार। अब भाई मेरे दिमाग में ना एक बात और आई है जो कि एक जेन्युइन सिचुएशन है। दिल्ली एनसीआर में कई बार आप देखेंगे कि जो नॉर्मल रास्ता है ना, कई बार पुलिस वाले वो बंद कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन हो या कोई और वजह हो। अब मान लो सामने वाला रास्ता बंद हो और पुलिस वाले बोल दे कि भाई उधर से यू टर्न लेके या उधर वाले सेक्टर से घूम के आ जाओ, तब इलेक्ट्रिक कार वाला क्या करेगा भाई। लो भाई बैटरी भी डाउन हो गई यार, 4% रह गई है। भाई जब तक मंजिल पा ना लो ना, तब तक आपको ना पूरा खुश होना नहीं चाहिए। अभी मैं खुश हो रहा था कि 4% बैटरी है, 6 किलोमीटर जाना है, अब सामने लग गया जाम। ताओ भाई बंदा क्या करे यार, मंजिल करीब है लेकिन बीच में ये साला फटा हुआ नसीब है। तो भाई ये जो 4% वाला मीटर है ये ठीक ठाक लंबा चल रहा है भाई। भाई अब बची है 3% बैटरी, मंजिल भी अब मेरे आसपास ही है 3% में, मतलब किलोमीटर और बैटरी बराबर से हो गए भाई 3-3। लास्ट तक जरूर देख लो भाई, मंजिल तक पहुंच रहा हूँ नहीं पहुंच रहा हूँ। अच्छा भाई मैंने ना अभी एक चीज नोटिस करी इसका, मैंने सोचा थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखता हूँ। तो भाई जब बैटरी कम रह जाती है ना तो स्पीड खुद ही नहीं बढ़ती है। ये देखो भाई बैटरी इसमें बची है 2% और किस्मत इसको बोलते हैं कि फोन में भी बची है कितनी भाई, आ जा। ये देखो भाई 4% बैटरी बची है फोन में। ऐसी टेस्टिंग कोई और ना करे भाई। आगे से जहाँ वो बसेस दिख रही है आपको पीली पीली, वहां से यू टर्न लेके और फिर मुझे ऊपर चढ़ना है यार। भाई छोटी गाड़ी है इसलिए एक बारी मतलब आधा पीछे करके घूम गई। ये भाई डालान, चढ़ जा, देखता हूँ भाई चढ़ जा। शिट, भाई एसी बंद करना पड़ा राम का नाम लेके। शिट भाई एक बार को चढ़ नहीं रही थी मैं। फाइनली अपनी जगह पे आ गया हूँ, घर पे जहाँ पे मुझे पहुँचना था, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। बहुत ही खतरनाक टेस्ट था भाई, कोई और मत करना अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ, क्योंकि बीच रास्ते में फंस जाओगे तो भाई बहुत मुसीबत आ जाएगी। मैं तो आ गया हूँ, अभी भी 2% बैटरी इसमें बची हुई है। तो हमारी टेस्टिंग में भाई MG कॉमेट को हमने पास कर दिया है, जितने किलोमीटर दिखा रहा था उतने किलोमीटर इसने चला दिया है। 10% बैटरी बची थी और हमें 18 किलोमीटर आना था, अब कुछ कम भी कर लो तो 18 में 17 किलोमीटर तो जरूर मैं चलाऊंगा। और अभी भी भाई 2% बैटरी बची है, यानी 2-3 किलोमीटर तो अभी भी मैं चल सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर आई मुझे लास्ट में, जब मैं ढलान पे चढ़ रहा था ना भाई, तो इसने मुश्किल कर दिया था, फिर मुझे AC बंद करना पड़ा, तब जाके ये स्लो स्पीड पे ऊपर चढ़ी है। हमने भाई ये रहा चार्जर और पीछे इसका चार्जर है, अब हमें चार्ज करनी है, 2-3 घंटा आराम से चार्ज करेंगे फिर ये चली जाएगी। तो भाई सब्सक्राइबर के कहने पर मैंने अपना टेस्ट करके दिखाया, अपना वादा निभाया है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब जरूर करके जाना।